भरूच भाजपा युवा मोर्चा द्वारा विभाजन की विभाषी का चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भरूच नगर में भाजपा तथा युवा मोर्चा द्वारा विभाजन की विभाषी का चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ज्योति नगर स्थित प्रदेश उपाध्यक्ष जनक बगदाना के हाथों ये चित्र प्रदर्शनी खुली की गई थी। त्रिदिवसीय आयोजित की गई ये चित्र प्रदर्शनी के तहत भरूच नगर में 75 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के भाग रूप आज ये चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहाँ भाजपा तथा युवा मोर्चा द्वारा विविध कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज चित्र प्रदर्शनी को खुली रखते हुए ये चित्र के प्रदर्शनी के जरिए लोगों में राष्ट्र प्रेम जगाने की कोशिश करने के भाग रूप एक अनोखा कार्यक्रम किया गया था। 15 अगस्त 1947 भारत ने आजादी मिली। आजादी मिला पहला देश ना विभाजन की बात आई, धर्म ना आधार देश में विभाजन थयु, देश ना त्रण टुकड़ा थया, वच्चे भारत देश हतो। भारत देश ने जमणी तरफ पश्चिम पाकिस्तान हतु अने डाबी तरफ पूर्व पाकिस्तान हतु। आ रीते धर्मना आधारे देशना भागला थया। देशना भागला थया पछी विभाजन थया पछी जे विस्थापितोनो जे प्रश्न हतो ए समग्र देशनी समक्ष खूब विकराल बनीने उभो थयो। पाकिस्ताननी भूमि पर जे लोको लघुमती एमां वसवाट करता हता ते लोकोने त्यांथी हाँकी काढ़वा माटेना तमाम प्रयासों पाकिस्तानी सरकार द्वारा थया। हजारों परिवारों बेसहारा बेघर थईने हिंदुस्तानी भूमि तरफ आवी रह्या हता। त्यारे 14 ऑगस्ट ने ध्यान में राखीने अहींया एक चित्र प्रदर्शन नु आयोजन थयुं छे। आ प्रदर्शन निहाळ्या पछी आपणने ख्याल आवे के खरा अर्थमां विभाजन थया पछी केटला लाखों लोकोए एनुं ए सहन करवुं पड्युं हतुं, आपणे जोई रह्या छीए। अने हूँ तो भरूचना तमाम जनता ने अपील करू छू कि आप पण आ विभाजन नी विभीषिका नो जे प्रदर्शनी अहींया भारतीय जनता पार्टी ना जिला प्रमुख श्री मारुतिसिंहजी अटोदरिया ने भारतीय जनता पार्टी नी युवा पांख द्वारा समग्र टीम द्वारा जे आयोजन थयुं छे एने निहाळवा माटे अवश्य आवजो। आपणने पण ख्याल आवे कि देश नुं विभाजन कई रीते थयुं, विभाजन थया पछी केटला लोकोए केटला परिवारोए पोताना आप्तजनो गुमाव्या हता એને પણ યાદ કરીએ અને 14 ઓગસ્ટને આપણે સ્મૃતિ દિવસ તરીકે યાદ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સમગ્ર દેશમાં સાંજે 5:30 વાગે આ વિભાજનની વિભીષિકાની એક મૌન યાત્રાનું આયોજન થયું છે। દરેક વ્યક્તિ હાથમાં રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે મૌન યાત્રા કરવાના છે અને આ જે આપ્તજનોના જે મૃત્યુ થયા છે એમને યાદ કરીને એમને શ્રદ્ધાંજલિ સ્વરૂપે યાદ કરવાના છે અને સ્મૃતિ આપણા મંથન પર અંકિત રહે, હંમેશા યાદ રહે એના માટે આ સ્મૃતિ દિવસ તરીકે આપણે નક્કી કરીને આ પ્રદર્શનનું આયોજન થયું છે। તમામ લોકો આ નિહાળવા માટે પધારે એવી એક બધાને વિનંતી કરું છું। ધન્યવાદ।